ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାର ସିଧା ଚିତ୍ର ବାରାଣାସୀ ଘାଟର ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଠାକାର ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗା ଆଳତୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କାଶୀର ସେ ପବିତ୍ର

शहर रे पहुंची भगवान विश्वनाथ शंकर पूजा अर्चना मध्य करिथिले गंगा रे बुडो पकाईथिले दिना तवा वाराणसी आजि काटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ए वाराणसी होछि तंकर निर्वाचन मंडली एठारु लोकसभा को प्रतिनिधित्व करूछंती प्रधानमंत्री मोदी एवं ये अवसर जो वाराणसी दिने सारा विश्व रे सांस्कृतिक गरिमा जगो प्रसिद्धि लाभ गरिसी वाराणसी धीरे धीरे विभिन्न स्थानको विभिन्न विभिन्न प्राचीन किर्तिराज कुन माड़ी बसिँदै विभिन्न लोक व्यवसायिक प्रतिष्ठान किंतु तार पुनरुद्धार सहित तार नवकलेबर कल, पुरा सहरर जीर्ण उद्धार कर प्राचीन कीर्तिराज गुड़ी सुरक्षित रखापी उद्यम कर गंगा घाट प्रधानमंत्री भाव दायित्व नापर जो गंगा को विशुद्ध करने संकल्प नहीं प्रधानमंत्री एवं लगातार भाव से दिगरे कार्य आरंभ कर पवित्र गंगा आड़ती कार्यक्रम जगदेबापी निजे पहुँची प्रधानमंत्री गंगा अड़ती वाराणासी गंगा घाट रे यार बहु प्राचीन परंपरा रही काशी राजघाट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ललिता घाट आए थे तो अलकनंदा पर्व आरूढ़ थे और अब स्वागत किया जा रहा है भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस विशिष्ट आयोजन के सब साक्षी बन रहे हैं आज का दिन बेहद विलक्षण रहा सनातन संस्कृति के इतिहास में जब दिव्य भव्य नव्य श्री विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ और अब शिव दीपावली सरीखा उत्सव है महोत्सव है दीपकों का महोत्सव है विकास का महोत्सव है सनातन संस्कृति के दिव्य पुंज बन रहे काशी का महोत्सव है ये सनातन संस्कृति के अद्वितीय स्वरूप का विवेकानंद नाम का यह क्रूज इसके भी हैं शुभेंद्र धर्म ध्वजा अगर पहली बार आधुनिक युग में किसी ने वैश्विक स्तर पर भारत की फहराया तो स्वामी विवेकानंद जी ही थे विवेकानंद जी के सिद्धांतों को लेकर एक हाथ में और अंत्योदय का मंत्र दूसरे हाथ में लेकर सनातन संस्कृति और नए भारत के गठन का नए भारत के उत्कर्ष की नई पटकथा लिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस समय वो पहुंच चुके हैं एम वी स्वामी विवेकानंद पर और यहीं से वे काशी के घाटों का दिव्य घाटों का अवलोकन करेंगे काशी जो कि घाटों का शहर है काशी जो कि मंदिरों का शहर है काशी जो कि आध्यात्मिक शहर है काशी जो नित नूतन और चिर पुरातन है from swami vivekananda cruise on the holy river ganga and prime minister in a short while from now will begin his sailing on the cruise once again taking in the breathtaking sights of the ghats of kashi of varanasi all the ghats have been decorated as if the festivities of the Bhavali have returned lakhs of diyas have been lit a short while ago, youngsters, elderly people all came together, and in those visuals, you can see the preparations have begun for the very special Ganga Arti. Varanasi is a sacred and is said to be the oldest city, a living city of the world, on the banks of holy Ganga, and Ganga Arti is performed. Every evening, by a group of specially designed priests, is a commitment to Lord Shiva, is a commitment to the Holy Ganga and all the gods and goddesses who descend on earth on this very special moment. संकल्पना आज साकार हुई है और उसी का महोत्सव है यह शिव दीपावली सरीखा आयोजन गंगा की लहरों में ज्योति झिलमिल तारों जैसे ज्योति के पुंज ये बता रहे हैं कि किस तरीके से भारत का उत्कर्ष हुआ है भारत किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत और जगतगुरु भारत की संकल्पना को साकार करने में जुटा है भारत किस तरीके से पूरे विश्व को शांति अहिंसा ममत्व समत्व का संदेश दे रहा है और यह बेहद खूबसूरत दृश्य गंगा के घाटों का और इस पर कहा जा सकता है कि नभ की छाती को छूता सा कीर्ति पुंज सा दिव्य दीपकों के प्रकाश में झिलमिल झिलमिल ज्योतित माँ का पूज्य भाल है मां भारती का भाल मां भारती का हृदय स्थल मां भारती का प्रेरणा स्थल मा सनातन संस्कृति का नाभिकेंद्र काशी आज दीपकों से जगमग है क्योंकि आज बाबा के धाम का दिव्य नव्य धाम का लोकार्पण हुआ है और ऐसा तेज पुंज ऐसा आलोक पूरी दुनिया में प्रकाशित हो रहा है जिसमें उत्कर्ष करते भारत और उत्कर्ष करते काशी की झांकी है एंड द ब्यूटिफुली डेक्ड स्वामी विवेकानंद क्रूज क्रूज ऑलमोस्ट रिफ्लेक्टिंग द लाइट्स एंड ब्यूटी ऑफ द घाट्स ऑफ वाराणसी The day is a special one for the people of Kashi as all of them have come out of their homes to gather at the ghats. As Prime Minister inaugurated Sri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi earlier today, and in his address he said, Vishwanath Dham is not just a grand building, it is a symbol of Sanatan culture of India, it is a symbol of our spiritual. Reality, a symbol of India's ancient traditions, India's energy, and India's dynamism. There, Prime Minister Narendra Modi, on board, Vivekananda Cruise, and you can see a glimpse of the ghats of Kashi from a distance. All lit up, all decked up, beautifully, to celebrate this very special day. द इनोग्रेशन ऑफ श्री काशी विश्वनाथ धाम इन वाराणसी प्राइम मिनिस्टर इंटरक्टिंग विथ गेस्ट ऑन बोर्ड विवेकानंद क्रूज एंड इन अ शॉर्ट वॉल फ्रॉम नाउ द मेजिस्टिक गंगा आरती इज एक्सपेक्टेड टू बिगेन अश्विनी आज कर्मयोगी ने आदि योगी को कार्यांजलि दी बाबा विश्वनाथ धाम के नव्य भव्य परिसर का लोकार्पण हुआ और शुभ दीपावली सरीखा आयोजन आज काशी में इस समय हुआ है क्योंकि आज महोत्सव है काशी में आज महोत्सव है समूचे भारत में आज ये स्वर्ण शिखर नए रूप में नए स्वरूप में जगमग है क्योंकि आज नए प्रकाश का नए आलोक का यहां से दे नक्षत्र भी भारत की सांस्कृतिक विरासत में जुड़ा है बेहद विशिष्ट बेहद अद्भुत ये दृश्य आप देख सकते हैं दूरदर्शन के माध्यम से कि किस तरीके से समूची काशी को झालरों से लड़ियों से दीपकों से सजाया गया है असंख्य दीप इस समय यहाँ पर गंगा घाट पर जलाए गए हैं और सरिखा इस तरीके से माना जा सकता है कि जैसे गंगा और आकाश गंगा का सम्मिलन हो गया हो काशी में ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ पर धर्म कर्म आध्यात्म वैराग्य जीवन नवोत्कर्ष सृजन सबका संगम हो गया हो और इसी संगम और इसी त्रिवेणी और इसी महामिलन का आज उत्सव है बाबा के धाम में शिव दीपावली के रूप में तब जबकि घाट जगमग हैं व्यक्ति प्रफुल्लित हैं मानसिकता उल्लासित है और समूचा काशी हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान है एंड विजुअल्स ऑफ गंगा आरती Prayers to the Holy Mother that nurtures the planet, the people. Every evening, people in Kashi, devotees, tourists, they all gather day after day to witness the majestic Ganga Aarti. And in those visuals, Prime Minister Narendra Modi on board, Swami Vivekananda cruise, with other esteemed guests and prime minister during this two day visit will also participate in a conclave of chief ministers of various states a conclave that will provide an opportunity to share governance related best practices it is his vision of strengthening team india center and the states working together but it will happen in the backdrop ब्यूटिफुल विहंगम दृश्य शिव दीपावली जैसा महोत्सव अविश्वसनीय और अकल्पनीय संकल्पना के साकार होने का दिन गंगा आरती जो की यहाँ के घाटों पर प्रतिदिन अहरनिश युगो युगो से चल रही है कहा जाता है गंगे तब दर्शनात् मुक्ति माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है और गंगा की आराधना करने का सौभाग्य गंगा में स्नान का सौभाग्य गंगा में अवगाहन का सौभाग्य गंगा में अर्पण और तर्पण का सौभाग्य जिन व्यक्तियों को मिलता है उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है उन्हें, ज् होती है, उन्हें ज्ञान प्राप्त होता है उन्हें उन्नति और उत्कर्ष प्राप्त होता है तो आज समूची काशी में शिव दीपावली महोत्सव का आयोजन है क्योंकि शिव के धाम बाबा के धाम में व्य दिव्य भव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम का विस्तारित पुनर्निर्माण कार्य का आज लोकार्पण हुआ है ये दीपावली सरीखा ये अनुभव कराता है शुभेंदु अगर देखें तो जिस तरीके से समूचे काशी को सजाया गया है और काशी विश्वनाथ मंदिर का ये स्वर्ण स्तंभ ये गर्भगृह ये मीनारे ये ऊंचे ऊंचे कलश ये शिखर तुंग ये गर्भगृह आज और ज्यादा प्रकाशित हैं इस पूरे के पूरे परिसर को विशिष्ट रूप से सजाया गया है और अगर देखिए तो यहां पर एक थीम भी है नीलांबर की नीली रोशनियों से होता हुआ आकाश में मिलता हुआ गंगा तट तक जाता हुआ यह पूरा का पूरा स्वरूप दिगंबर को नीलांबर कार्यांजलि सरीखा है दिगंबर यहां पर साक्षात विद्यमान है और दिगंबर को नीलांबर और गंगा से माम...

Along with the Gamcha on their shoulders. And that glimpse of the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi, a beauty that cannot be described in words. Lacks of diyas, lacks of lights that have been used to decorate the carts today. And add to that the spiritual energy of the people of Kashi, all coming together. टू लिट द टेम्पल टाउन लाइक नेवर बिफोर शुभेंद्र देखिये यही कहा जाता है कि अर्ध चंद्राकार वलयाकार स्थिति में माँ गंगा भगवान शिव केवल चरण छूने के लिए काशी में अपनी दिशा बदल देती हैं और उत्तरवाहिनी हो जाती हैं अद्भुत दृश्य थे जैसे शंकर जी के भगवान शंकर के माथे पर चंद्रमा विराजमान होते हैं उसी तरह अर्ध चंद्राकार स्थिति में माँ गंगा ने यहां धारा अपनी मोड़ भगवान के चरण पखारने के लिए वो केवल यहाँ पर आई नयनाभिरा दृश्य और काशी में शिव महोत्सव का आयोजन घर मंदिर गलियारे गलियां सब कुछ आज आलोक से प्रकाशित है ये देख सकते हैं कितना विहंगम दृश्य है समूची काशी का समूची काशी में शिव दीपावली का आज आयोजन है घरों घरों को सजाया गया है एक एक घर की हर चौखट पर दीपक जले हुए हैं घाटों पर असंख्य दीपकों की झिलमिल झालर और रोशनियां इस समय लोगों को मंत्रमुग्ध कर दे रही हैं क्योंकि आज काशी में महोत्सव का दिन है क्योंकि तो आज काशी के बाबा का दिगंबर का भोलेनाथ का शिवशंकर का काशी विश्वनाथ धाम का नव्य और दिव्य धाम का आज लोकार्पण हुआ है एम एस कंटिन्यू टू गैदर टू बी ए पार्ट ऑफ दिस एक्सेप्शनल सेलिब्रेशन यू सी गंगा आरती इन प्रोग्रेस इन चार्ज step by step taking the aarti forward elevated planks brass lamp idol of holy ganga flowers and incense sticks all together to honor the holy ganga and the visuals you can see prime minister narendra modi on board swami vivekananda cruise and from a distance the beauty of Kashi, the beauty of Varanasi beyond words reflecting in the waters of the holy Ganga. And now you also see the celebration, the reasons for the celebration. Shri Kashi Vishwanath Dham in Varanasi. You see an aerial glimpse of that, the Dham that Prime Minister inaugurated today, that is expected to completely transform the face. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास घाट से चल चुके हैं अलग अलग घाटों से होते हुए जिस तरीके से समूची काशी आज सजी है शिव दीपावली का आयोजन है और दीपकों के परंपरा दी असंख्य दीपकों की लड़ियां काशी के घाटों को आज और नैनाभिराम विहंगम और सुंदर बना रही हैं, यह विलक्षणता को प्रदान कर रही हैं, काशी की कांति में और श्री चंदन लगा रही हैं और काशी को और महिमावान बना रही हैं, काशी खुद में महिमा वर्णित है लेकिन दीपों को जलाकर शिव दीपावली का आयोजन करके आज इसे और विशिष्ट किया गया है हमारे यहाँ कहा जाता है कि असतो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर मा अमृतम गय तमस्य प्रकाश की ओर ले जाने की आ, कामना की जाती है तमस्य प्रकाश की ओर ले जाने का जो पुंज होता है वो दीप होता है कहा यह गया है कि दीप ज्योति पर ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो हस्तु में पापम दीप ज्योतिर नमोस्तुते अजय दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योतिजनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् दीपु नमोस्तुते ते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां मम बुद्धिप्रकाशं च दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं भवतु कल्याणम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम् आत्म प्रबोधाय दीप जो आत्मतत्व प्रबोधाय दीप तत्व प्रबोधायनमोस्तुते दीप मालाओं की जो श्रृंखला आप देख रहे हैं शिव दीपावली का जो ये तीन दिनों का महोत्सव पहली बार इस ऐतिहासिक अवसर पर जिसकी शुरुआत की गई है उसकी छठा तो जब आप यहां पर आएंगे नौका में बैठेंगे गंगा में जाएंगे और घाटों की तरफ अभिमुख होकर के जब ये दर्शन करेंगे तब आपको वो अनुभूति होगी कि इन ज्योतियों का मतलब है क्या इन ज्योति द्वीपों का मतलब है क्या ये आपको किसी दूसरी दुनिया में लेकर के जाएंगी वैसे भी बार बार हम सुबह से ये कह रहे हैं कि ये काशी का भूभाग पूरी पृथ्वी से एक अलग भूभाग है